ओ सुबह गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम, सुबह की नमस्ते। आई होप सारे अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। और वैसे भी ना टाइटल और थंबल देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करूँगा, किस बारे में नहीं। तो आप लोग तभी कमेंट करोगे और निकल जाओगे, ठीक है। और वैसे भी कोई ब्लॉग तो मैं आज लोग आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, बातचीत ही करूँगा आप लोगों से और आप लोगों के कमेंट आके निकल जाओगे। मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, आप लोग बड़े होशियार हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, ठीक है। वैसे ही हिसाब लगा लोगे मैं आप लोगों से क्या बातचीत करूंगा, और वैसे ही कमेंट करोगे और वैसे ही आपका काम खत्म। गुड बाय, टेक केयर, निकल लोगे। लेकिन मैं अपनी आज बात करूंगा अपनी जर्नी के बारे में, एक क्योंकि मेरा साल एक साल कम्प्लीट हो चुका है, पता नहीं चला कब ये एक साल कम्प्लीट हो गया। इस एक साल में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या अचीव किया, क्या क्या मैंने खोया। बस यही कोशिश करता हूँ कि कोई मुझसे रूठे ना, ज़िंदगी की डोली कभी छूटे ना, ठीक है, कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी तक ना मैंने एक साल हो गया है, आज कंप्लीट हो चुका है, और अभी तक मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, सब्सक्राइब सब चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। लेकिन मैं खुश बहुत हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ना सेलिब्रेशन नहीं किया है। सेलिब्रेशन क्यों नहीं किया है उसका भी कोई रीज़न है, वो शायद मैं आप लोगों को कभी शेयर करूं, ठीक है। क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें थी, मैं सेलिब्रेशन करना चाहता था, लेकिन मैंने वो डाउन कर दिया, भाई मैंने नहीं करूंगा सेलिब्रेशन। क्योंकि चैनल मोनो हो, जिसका चैनल मोनो हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, कौन सेलिब्रेशन नहीं करेगा, सब करते हैं। मेरा आज एक साल हो गया है, मैंने सेलिब्रेशन अभी तक नहीं किया, कोई केक वेक नहीं काटा। मेरा मन करता है केक काटने का, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, आप लोगों के बहुत प्यारे कमेंट आते हैं, पूछते हैं मेरी शादी, भाई शादी का कोई अभी वो नहीं है, शादी हो जाएगी टाइम पे। और लव बच्चा चैनल का नाम क्यों है वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। यूट्यूब पे तो मुझे एक साल हुआ है यहाँ पे आए हुए, और लव बच्चा नाम आज का नहीं है, बहुत पुराना है और बहुत यूनिक है, और बहुत लव है इसमें, प्यार है, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन बताऊं? नहीं, बताऊंगा नहीं, क्योंकि नहीं बता सकता मैं भाई। जब दिल में है बातें, दिल में ही रहने दो, जुबां पे आ गई तो तहलका मच जाएगा, तो प्लीज नहीं आएंगी। जुबां पे ताला है और गले में फूलों का माला है, ठीक है तो वो नहीं आएंगी। कि ना बहुत कम लोग होते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी दुख समझते हैं, वरना नहीं तो ना आप लोगों की ना पिछली ज़िंदगी के बारे में सुनना पसंद करते हैं। आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है वही लोग देखना पसंद करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, दुख में कोई साथ नहीं होता, ठीक है। और ये हाथ की लकीरें कुछ नहीं बोलती, ठीक है, हाथ की लकीरें खोली होती हैं कुछ नहीं इन चीज़ों में, इन्हें ना खुद बनाना होता है, अपनी किस्मत से, मेहनत से खुद बनाना होता है, ठीक है। ज्योतिषी होते हैं ना ये सब झूठ बोलते हैं, सब लूटते हैं आप लोगों को। कि मुझे फुर्सत ही कहाँ है, कि मुझे फुर्सत ही कहाँ है, मैं सुहाना मौसम देखूं, मैं तेरी याद से निकलूं तो जमाना देखूं, कि मैं तेरी याद से निकलूं तो जमाना देखूं। और भगवान करे आप लोगों की उम्र बहुत लंबी हो, और आपके लोग आप लोगों की फैमिली बहुत हैप्पी हो हमेशा और खुश हो। आप लोग बड़े ही होशियार हो, वैसे भी बड़े इंटेलिजेंट हो, बड़े क्यूट हो, बड़े स्वीट हो, बड़े लवली हो, जो बढ़िया और बड़े औसम हो, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो क्योंकि मुझे हो चुका है 1 ईयर, पता नहीं चला कब एक साल बीत गया YT पर, और क्या क्या मैंने अचीव किया, क्या क्या नहीं, क्या क्या खोया इस साल में, क्या प्राप्त किया, और YouTube से क्या मिला मुझे, क्या नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी बातचीत करेंगे। थोड़ी लंबी होने वाली है, अगर वीडियो अगर आप स्किप करना चाहते हो तो प्लीज़ अभी छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मेरे वो लोग वैसे भी ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगर वीडियो थोड़ा सा टाइम देखे अगर देखना चाहो तो देख लेना, पूरी देखना, अच्छी लगेगी और काफ़ी मोटिवेशन हो सकती है जो मेरे जैसे एक छोटे ऐसे यूट्यूबर हैं उनके लिए।
मैं मुझसे दो बड़े हैं भाई, मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा, मुझे मेरे जैसे तो छोटे ही मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए बातें करते हैं और बताते हैं अपने बारे में, अपना एक साल कैसे बीता क्या नहीं। तो भाई आज 5 तारीख है, 5 जुलाई 2021 का दिन था भाई। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि यूट्यूब पे काम करूँ, यूट्यूब पे काम करूँ, क्योंकि मुझे शौक़ था इन चीज़ों का। इससे पहले मैं कुछ और काम करता था, एक कुछ ऐप चलाता था, उस चीज़ के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वो बातें हैं। तो साल 2021 5 जुलाई 2021 का दिन था जब मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी, मेरा फर्स्ट ब्लॉग। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी लिंक ऊपर भी मिल जाएगा आप लोगों को, इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। हाईवे पे था मैं, गया था भाई के साथ कहीं पे, तो मैंने वहाँ पे शूट कर लिया। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, बोलना आता नहीं था, अभी भी नहीं आता है बोलना, लेकिन पहले से थोड़ा बेटर बोल लेता हूँ। पहले तो नहीं आता था कुछ भी बोलना, और बहुत शर्माता था इन चीज़ों में, कैमरा खोलने में शर्माता था कि भाई अब कहीं पे भी जाता हूँ तो कैमरा खोल लेता हूँ, फोन मोबाइल निकाल लेता हूँ तो वीडियो शूट कर लेता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी, वीडियो बनाई, अच्छे व्यू आए उस पर, 100-150 के आसपास व्यू आए थे और अच्छा लगा। मैं आज यूट्यूब पर तकरीबन 350 के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ एक साल के अंदर, और क्या प्राप्त किया क्या नहीं वो सारी इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेंगी। भाई बहुत कुछ प्राप्त किया यहाँ से, चैनल मोनेटाइज हो गया, कुछ अर्निंग होने लगी, और ठीक है, और कुछ वीडियो मेरी वायरल हुई, एक पे 50,000 व्यू हैं, प्लस अभी चल रही है 12,000 व्यू हैं, 3,000 और 1,000 की वीडियो काफ़ी मेरी चली हुई हैं, जिन पे व्यू आए, अच्छे कमेंट आए, अच्छी शेयरिंग हुई है, अच्छे उनसे मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं। इनसे अगर मुझे ना 15-20 वीडियो मेरी निकाल दो ना, और तकरीबन मेरी 340 वीडियो के आसपास, अगर 360 से ऊपर वीडियो से में से 340 वीडियो निकाल दे, और 20 वीडियो के सब्सक्राइबर उनसे ज़्यादा हैं, उनके IWT ज़्यादा है, तो वीडियो मेरी वायरल हुई थी। जब ना यूट्यूब पे आने से पहले मैं ऐप चलाता था, उस ऐप का नाम मैं आप लोगों को बता दूंगा, चलो बता ही देता हूँ। मैं सेल चलाता था मैं, लेकिन अब नहीं चलाता, बंद कर दिया मैंने, कई महीने से बंद है, अब वहाँ पे जाने का मेरा मन नहीं करता। और वहाँ पे मेरे तकरीबन मेरी 3-4 आइडियाँ थी, अब तो थी है क्योंकि बंद कर दिया मैंने। और एक पे 33,000 फॉलोवर हैं, एक पे 27,000 फॉलोवर हैं, और एक पे 25,000, 10,000। तो अगर मुझे पैसे कमाने होते तो सेल चैट पे बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि मेरा ग्रुप भी चलता था जहाँ पे कोइन देने होते हैं। मेरा वहाँ पे ना मतलब बहुत सारी दोस्त थे, काफ़ी अच्छे थे रिलेटिव, मतलब एक फैमिली सी बन चुकी थी वहाँ पे मेरी, कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, अभी भी है, बहुत प्यारे प्यारे वहाँ पे दोस्त मिले, एक फैमिली सा रिलेशन मिले, दोस्त मिले वहाँ पे, ढेर सारे प्यार करने वाले बंदे मिले, या बहुत कुछ मिला मुझे वहाँ से। लेकिन मैं वहाँ पे अभी जाता नहीं हूँ क्योंकि वो चीज़ें मैंने बंद कर दी, बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन मैं अगर चीज़ें करना चाहता तो वहाँ पे पैसे कमा लेता। लेकिन वहाँ पे ना फेस वैल्यू नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ वॉइस वैल्यू थी, तो मुझे क्योंकि फिर वहाँ पे फेस वैल्यू तो थी नहीं, क्योंकि मुझे अपना एक एम मतलब चीज़ें लक्ष्य प्राप्त करना था, कुछ चीज़ प्राप्त करनी थी, मेमोरी इकट्ठा करनी थी मैंने अपनी। सबसे ज़्यादा जरूरी ये था कि मैं अपनी मेमोरी इकट्ठा करूँ, एक प्लेटफॉर्म हो मेरे पास, जिससे कि मैं अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने दोस्त, अपने जितने भी हैं सबकी एक मेमोरी इकट्ठा करूँ। मेमोरी जोड़ने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे यूट्यूब दिखा, और यूट्यूब पर आ गया मैं। मेरा पहला ब्लॉग बहुत ही मतलब मेरे ऐसे वैसे ब्लॉग थे, व्यू आते नहीं थे, कुछ सभी की वीडियो पे पहले व्यू आए 200-250-100 वीडियो व्यू आए, काफ़ी 5-6 वीडियो पे शुरू की, तो फिर वीडियो कोई देखता नहीं था, व्यू 40-50-30 तक व्यू आए, भाई मोटिवेशन डाउन हो जाता था,
एकदम हौसला टूट जाता था भाई, क्या आते क्या नहीं, लेकिन फिर भी एक हौसला था मेरे अंदर कि भाई व्यू की मैंने, क्योंकि मेरी मेमोरी इकट्ठा हो रही थी, मेरी मेमोरी यहाँ पे जुड़ रही थी। कोई कोई बात नहीं यार, व्यू नहीं आ रहे, किसी दिन आएंगे। लेकिन मैंने एक वीडियो डाली, मैंने मार्केट के कपड़ों वाली, वो जो अभी तक चली है, जिसपे 50,000 व्यू हैं और आ रहे हैं व्यू अभी तक, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा मिले मुझे वहाँ से। मुझे उस वीडियो से तकरीबन 550 सब्सक्राइबर के आसपास, 1400 घंटे, और अभी तक उसके बाद मैंने 5-6 वीडियो जो मेरी अच्छी अच्छी चली थी, जिन पे अच्छे खासे व्यू आए, मैंने डाली, तो बहुत अच्छा उनसे रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के प्यार से। और YT पे धीरे धीरे एक मेरी फैमिली सी बनती गई बनती गई बनती गई, जो अभी तक बन रही है और जुड़ रही है मेरे साथ। और बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे भाई बहन दोस्त और बहुत चीज़ें मिली, और जो काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे यहाँ पे। और आप लोगों के कमेंट इतने प्यारे आते हैं तो भाई हौसला सा हो जाता है। लेकिन मेरा एक YouTube का जो चीज़ें थी ना, मैं हासिल कर चुका था, मैं चैनल मतलब अपना मोनेटाइज करवा चुका था, क्योंकि भाई मुझे कुछ यहाँ पे करना था। तो मैं और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें प्राप्त करनी है, 1 साल हुआ है अभी तो भाई, 1 साल ऊपर नीचे हो रहा था, ऊपर नीचे चीज़ें चल रही थी, अप डाउन, कभी हाई कभी नीचे, कभी व्यू कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ही चल रहे थे। लेकिन हौसला, इंसान के अंदर हौसला होना चाहिए भाई, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी मुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन कर सकता है। मैं सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, करूँगा भी सब चीज़ें करूँगा, धीरे धीरे सब सेलिब्रेशन करूँगा। लेकिन अभी मेरा ना कुछ भी करने का, सेलिब्रेशन आने का दिल नहीं है, क्योंकि भाई आप भी सोचो, अगर आप लोगों के 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपका चैनल मोनोटाइज हो जाएगा, ठीक है, आपका 1 साल हो जाएगा, तो आप लोग केक नहीं काटोगे क्या? आप लोग पार्टी नहीं करोगे दोस्तों में? आप लोग अपनी फैमिली को पार्टी नहीं दोगे? दोगे ना? मैंने अभी तक नहीं दी, किसी को नहीं दी। मुझसे मेरे दोस्त बोलते हैं पार्टी कर भाई पार्टी कर, मैं नहीं करता। मैं अपनी सारी आदतें, मतलब मेरी जो अच्छी आदतें थी, कुछ बुरी आदत, सब मैंने बंद कर दी। मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, भुक्कड़ बोलते थे मुझे, लेकिन अब खाना भी, मतलब बाहर का खाना बहुत कम खाता हूँ मैं। कभी मैं घर पे इतना रुकता नहीं था, क्योंकि मुझे बाहर घूमना अच्छा लगता था। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ यहाँ पे अचीव किया मैंने। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, और काफ़ी आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखना हमेशा, और बहुत कुछ अचीव करना है अभी, कुछ प्राप्त नहीं किया है। ये कोई 4000 WT और 1000 सब्सक्राइबर, चैनल मोनो हो जाना, ये छोटी सी एक सीढ़ी है, एक मतलब अभी तो बहुत कुछ प्राप्त करना है यहाँ पे, एक नाम बनाना है यहाँ पे अपना, जो चैनल का नाम है ना, इसको एक अच्छा ऊपर लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट करनी है। ठीक है, प्लीज़ हार मत मानना, व्यू आ रहे हैं जा रहे हैं, प्लीज़ हार मत मानना, डेली डालना, ठीक है, व्यू कभी ना कभी तो आएंगे, भगवान की अगर हाथ रहा तो आप लोगों का, मतलब आपकी वीडियो चल जाएगी, वायरल हो जाएगी। मेरी वीडियो वायरल हुई है एक एक दो, तो आप लोगों की भी हो सकती है, बहुत बहुत लोगों की वीडियो वायरल हुई भी है। ऐसी चीज़ें नहीं है, ये नहीं होती है, हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो भाई गधों जैसी मेहनत करना बंद करो, कुछ यूनिक डालो यार, थंबल कुछ, आजकल तो देख सकते हो थंबल, मैंने बोला टाइटल में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दो यूनिक सी, जिससे कोई क्लिक करे तो अच्छा लगे उसको। तो थैंक यू सो मच, और लव यू लव यू लव यू, दिल से लव यू, और जितना हो सके शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार। देखो परेशानियां सबकी ज़िंदगी में है, इंसान धरती पे आया है, उसके ये नहीं कि उसके पास सुख ही सुख है, दुख भी है, लेकिन जो दुख में भी मुस्कुराए इंसान वही है, कि जो दुख में भी मुस्कुराए वही इंसान है। ये अपनी जो कल्चर है, हमारे देश के अंदर प्यारे प्यारे कल्चर है, इतने स्टेट हैं, उनका अलग अलग कल्चर है, वो दिखाने आए हम ना, कि ठीक है भाई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो, अपना कल्चर दिखाओ, अपने स्टेट का, अपने स्टेट को प्रेजेंट करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, चलेंगी, मज़ा आएगा, और काफ़ी कुछ सीखेंगे हम। जैसे थैंक यू सो मच, काफ़ी देर हो चुके हैं,
हंसते रहे, एंजॉय करे, बाकी तो सब मोम आया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेंगी। भाई अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना चैनल, शेयर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये लाल वाला घंटा होता है ना, जैसे मेरी शर्ट होती है ऐसा ही कुछ घंटा होता है, इसको ना पत्थर फेंक के मारा करो, प्लीज़ मार दो यार। मुझे पता है आप लोग ना वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, वो भी कर दिया करो यार, क्या जाता है आप लोगों को, जाता है। और थैंक यू सो मच, और लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। और अपनी गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख्याल रखिए अपना, बच्चों का, अपना, अपनी फैमिली का, अपने रिलेटिव का, दोस्तों का, चाहने वालों का, बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में चाहने वाले। और आदाब, नमस्ते, और जय श्री राम, मिलते हैं, बाय।